इतनी खूबसूरत कैसे? मेकअप का भी कमाल है। क्या करती हैं आप? मॉडल हूँ मैं, कपड़ों वाली मॉडल होती है। इस फील्ड की एक बुराई बता, अच्छा ही है कि इसमें पैसे बहुत है। कितने टाइम से सिंगल है? मैं बहुत टाइम से सिंगल हूँ। लड़के ट्राई करते हैं, घर वाले ना वो फिर घर से बाहर निकाल दे रहे। गरीब है बेचारा। कोई बात नहीं, मैं पाल लूंगी उसको। लड़कियां जो है वो गोल्ड डिगर होती हैं, उनको सजाए मौत होनी चाहिए। उसने कहा बहुत देखे होंगे तुम्हारे जैसे। मैंने कहा ब्रांडों में कॉपीज तो आती है। वेलकम टू आवर चैनल हैप्पी पाकिस्तान। आपने हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे मस्त क्लिक करें। एक प्यारी सी लड़की हमारे साथ मौजूद है, इनसे गपशप लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, और मैं ये भी बता दूं फातिमा ने भी हमारे शो में पार्टिसिपेट किया। कोई मोटिवेशनल स्टोरी थी इन लोगों की पतला होने की, वो भी शेयर की। लेकिन अभी हम अपने फॉर्मेट में इनसे गपशप लगाएंगे। क्या हाल चाल? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ये बताइए इतनी मेंटेन कैसे रखा हुआ है खुद को और इतनी खूबसूरत कैसे? बस अल्लाह ताला का करम है। अल्लाह ताला का करम है, वो तो सब पे होता है, लेकिन मेकअप का भी कमाल है। दिन में कितनी दफ़ा मेकअप कर? बस कहीं जाना हो तो। कितना टाइम लगता है मेकअप करने में? 40 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं। 40 मिनट्स, बाल भी और सब कुछ डन? सब कुछ 40 मिनट्स है। तो सोच लें अगर लड़कियों ने शादी पे जाना है तो 1 घंटा उनका आराम से लगता है, और अगर नॉर्मल किसी रूटीन में किसी जगह पे जाना है तो 40 मिनट कहीं ना। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या करती हैं आप? मैं शूट्स करती हूँ, मॉडल हूँ मैं। मॉडल होती है जी? वाली मॉडल? कपड़ों वाली मॉडल होती है। कपड़ों वाली मॉडल होती है, अच्छा सही हो गया। बहुत से लोग जो हैं वो ड्रेस देख के पसंद नहीं करते कपड़ा, वो देखते कि यार मॉडल को अच्छा लग रहा है, हम खरीदते हैं। ऐसे ही है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। करती हूँ? हाँ ऐसे ही करती हूँ मैं भी। टाइम कितने टाइम से आप इस फील्ड के अंदर? मुझे 1 साल हो गया है। इस फील्ड की एक बुराई बता दी, एक अच्छाई बता। एक बुराई और एक अच्छाई बता दूँ? अच्छाई है कि इसमें पैसे बहुत है। पैसा, पैसा। और बुराई क्या? बुराई मैं बता नहीं सकती क्योंकि ये मेरी फील्ड है। ये आपको अपनी फील्ड से मोहब्बत करनी चाहिए, कोई साइड इफेक्ट्स, कोई बुराइयां नहीं बतानी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। बताइए फातिमा के शादीशुदा हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल लाइफ चल रही है क्या? सिंगल लाइफ चल रही है, बेस्ट लाइफ चल रही है। कितने टाइम से सिंगल है? मैं बहुत टाइम से सिंगल हूँ। कभी रिलेशन में रही है? नहीं। सही बात, इंटरेस्ट नहीं था मेरा कभी। कैमरे के सामने हर बंदा आके यही कहता है। नहीं नहीं, मेरा वाकई कभी इंटरेस्ट नहीं था रिलेशनशिप से। कैसे हो गया? मतलब आप इतनी माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं, लड़के भी ट्राई करते होंगे? लड़के ट्राई करते हैं, घर वाले ना वो फिर घर से बाहर निकाल दे रहे। अच्छा, कैसा लड़का चाहिए? मुझे बस शादी के लिए, शादी के लिए मुझे गुड लुकिंग हो और अच्छा उसका वेल सेटल्ड हो बस। अगर बहुत ज़्यादा प्यारा है लेकिन अमीर नहीं है, गरीब है बेचारा? बात नहीं, मैं पाल लूँगी उसको। आप अडॉप्ट करना चाहेंगे? हाँ मैं अडॉप्ट कर लूँगी। कितनी स्वीट है, इधर लगनी चाहिए मीम, कितनी औसम है यार। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि लड़कियां जो है वो गोल्ड डिगर होती हैं, पैसे पे मरती हैं, उनको नहीं पसंद प्यारा है, नहीं लेकिन पैसे से मोहब्बत। बहुत सी लड़कियों में भी कैटेगरी होती है, कुछ लोग लड़कियाँ जो हैं वो पैसे पर मरती हैं, कुछ लड़कों पर मरती हैं। मेरा जो था मैंने आपको बता दिया है कि मैं तो पाल लूँगी, बस लड़का अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए, सही दर्द मुँह मारने वाला ना। हाँ ऐसा नहीं, सही है। मुझे बताइए कोई हिडन टैलेंट आपके अंदर, कोई गाना शायरी आती है आपको? हाँ शायरी आती है मुझे। शायरी सुनाएंगे? उसने कहा बहुत देखे होंगे तुम्हारे जैसे। मैंने कहा ब्रांडों में कॉपीज तो आती है। उसने कहा ब्रांड्स में कॉपीज तो आती रहती है, यानी कि रेप्लिका तो चलता ही है। ऐसे ही है। किसके लिए था हम इस शेर? ये शेर सबके लिए था, जितने लड़कियाँ उन सबके लिए था। लड़कियाँ हसद क्यों करती हैं इतना सा? लड़कियाँ हसद नहीं करती हैं, क्या बोलूँ इस पे मैं? क्या पता क्या बोलना है, आपने बोलना है। लड़कियाँ नहीं करती हैं हसद। नहीं, कवर बड़ी मुश्किल से किए इन्होंने। मुझे बताएं बेवफा लड़के होते हैं लड़कियाँ? लड़के, लड़के जो बेवफाई कर जाते हैं उनकी पनिशमेंट क्या होनी चाहिए? उनकी पनिशमेंट होनी चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, उनको कुछ नहीं कहना चाहिए, उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। गाना लग जाना चाहिए, जा तुझे माफ़ किया। हाँ जा तुझे माफ़ किया। और लड़के बेवफाई में आ जाएंगे ना, कोई सजा बताएं? सजा उनको क्या? क्या उनको सजाए मौत देनी चाहिए? खराब, इनके दोस्त भी बड़े खराब है, साथ ही कह रहे सजाए मौत करवा दो। सही है। जाते जाते लड़कियों के दो झूठ बता दे, दो लड़कों के झूठ बता। अच्छा लड़कों के यही झूठ होते हैं कि मेरे तो जितने फ्रेंड्स हैं वो सब ये कहते हैं, अच्छा मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, और फिर वो
गुम हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और दूसरा झूठ लड़कों का ये होता है कि बिजी हूँ मैं तुम्हारे थोड़ी देर बाद बात करूंगा, हालांकि बिजी नहीं होते, सारा दिन वेले घूमते रहते हैं वो। लड़कियों के दो झूठ, लड़कियों के दो झूठ, मुझे लड़कियों के क्या दो झूठ हो गए मेरे इस टाइम दिमाग के खिलाफ बात ही नहीं करी ये लड़का। हाँ तो लड़कियों के खिलाफ मैं क्यों बात करूँ, मैं खुद भी एक लड़की हूँ, अच्छी होती है। हाँ अच्छी होती है, ऐसा ही है। और मेरी फैन फॉलोइंग भी ज़्यादा लड़कियाँ ही हैं। लड़कियाँ इतना मेकअप करके क्यों कहती हैं कि हम नेचुरल ब्यूटी? नहीं मैंने तो नहीं कहा ऐसा, बहुत लड़कियाँ कहती होंगी। हाँ। तो झूठ बोलती है अभी साबित कर। बहुत अच्छा लगा गपशप लगा के, थैंक यू सो मच। मैं हाउस वाइफ हूँ। जैसे मेरे हस्बैंड है, मतलब वो नहीं बाकी उस तरह के सबको मिले। वो नाश्ता भी बना लेते हैं, वो मुझे कुछ बना के भी दे देते हैं, मेरा दिल नहीं चाह रहा होता तो वो शेक भी बना दिया, कुछ भी कर दिया। बीवी खुश रहेगी तो खुद खुश रहेंगे। मुझे भी ऐसा ही मियाँ चाहिए, लेकिन आपके वाला नहीं, कोई और चाहिए। कोई और चाहिए। मैं कहती हूँ मैंने जितना आपको तंग कर लिया ना, आप दूसरी करते हुए सोचेंगे। अच्छा, एक खूबसूरत सी लड़की हमारे साथ मौजूद है, इनसे गपशप लगाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तहसीन एजाज। तहसीन, तहसीन का मतलब क्या है? तारीफ। तारीफ, काफी लोग तारीफ करते हो। ये उनको पता होगा ही करता है कि नहीं। सॉफ्ट स्किन कैसे आपकी? मैंने ऐसे कभी कोई लाइक मेकअप वगैरह इतना यूज नहीं करती, ना कोई ऐसे स्किन प्रोडक्ट्स, शायद इस प्रोडक्ट्स इस्तेमाल। हाँ ये कह ले। सही है। तहसीन वैसे क्या करती है? मैं हाउस वाइफ हूँ। शादीशुदा है? ऑलमोस्ट। ये ऑलमोस्ट शादीशुदा क्या होता है? ऑलमोस्ट मैंने सुना है कि शादीशुदा लोग होते हैं, ये ऑलमोस्ट शादीशुदा क्या? दो साल लगे मेरी शादी को, अब तो जनवरी में। अच्छा। हाँ ये मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, इन लॉज के साथ नहीं आई हुई। अपनी फैमिली से ज़्यादा मज़ा आता है शादीशुदा लड़कियों को या फिर इन लॉज के साथ? पहले सिंगल लाइफ अलग, उसका मज़ा है, और मैरिड लाइफ का एक अलग ही चार्म है। लड़कियों के वैसे कदर बाद में ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा अम्मा अब्बा के पास जाना पसंद है। वो आफ्टर सिक्स मंथ्स टाइम मिले फौरन हो जाती है। तभी टाइम मिले हम जाके अपने बहन भाइयों के साथ स्पेंड करें, अम्मा अब्बा के साथ पिकनिक्स पे जाएँ। हाँ ये है। सिंगल लाइफ ज़्यादा अच्छी है या शादीशुदा से? दोनों। अगर हस्बैंड अच्छा है तो मैं कहती हूँ बेस्ट लाइफ मैरिड लाइफ। आपका हस्बैंड अच्छे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। कैसे मिल गए अच्छे हस्बैंड? आजकल तो शादी मटेरियल ही कम मिल रहे हैं। बस फूफो के बेटे थे फैमिली से, इसलिए मिल गए। अब कहेंगे फूफो के बेटे कैसे अच्छे निकले। ऐसे ही है कैसे? बस ये मेरी लक कह दे। वैसे बड़ा नाजुक रिश्ता है। बस अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ, जैसे मेरे हस्बैंड है, मतलब वो नहीं बाकी उस तरह के सबको मिले। वो नहीं उन जैसे बाकी सबको मिले। आपके हस्बैंड ऐसा क्या हास करते हैं कि आपको बहुत पसंद? बहुत ज़्यादा केयरिंग है, मतलब मेरी सोच से ज़्यादा, शायद मैंने इतना सोचा भी नहीं हुआ था कि इतना बंदा कोई कैसे केयरिंग हो सकता है।